बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि बड़ी मेहनत के बाद इसे बनाया गया है और इसमें झूठे खोखले वादे नहीं है। मैनिफेस्टो को लेकर R9 टीवी से ओपी धनखड़ की खास बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है वो आपको दिखाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तो मालामाल वाला घोषणा पत्र जारी किया जिसको उन्होंने संकल्प दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, जो उनका संकल्प पत्र है, वो मालामाल नहीं बल्कि सपनों का हरियाणा है। आखिर वो मालामाल करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी सपना दिखाना चाहती है। सर, आपको नहीं लगा कि हरियाणा की जनता को मालामाल करना चाहिए बजाय सपने दिखाने के? देखिए, यहाँ सपने से मतलब विजन से है, यहाँ संकल्प से मतलब कार्यक्रम से है, यहाँ प्रायोरिटीज से मतलब है, या रिसोर्सेज के लिमिटेशन से मतलब है। इसमें हवाबाजियां नहीं है, व्यवहारिकता है, और बिल्कुल ऐसे कदम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हमने पूरी तरह से सोशली सिक्योर करने को अपने समाज की तरफ हम बढ़ गए हैं। पहले हम अमेरिका की, यूरोप की बात करते थे कि वहाँ की सोसाइटी बहुत सिक्योर है, इलाज की चिंता नहीं करनी पड़ती, पढ़ाई की चिंता नहीं करनी पड़ती। हमने महिलाओं के लिए कहा है KG से PG तक की आपकी पढ़ाई की चिंता हम करेंगे, आपको आने जाने के लिए जो है वो पिंक बस दे देंगे। हमने कहा है कि आपको सस्ता लोन, एजुकेशन लोन बिना गारंटी के दे देंगे। तो एक एक चीज़ को हम इस तरह से निखार कर लाए हैं। किसानों को कहा है कि आपको जोखिम फ्री हमने पहले किया है, आपकी फसल हम खरीद रहे हैं, आपके इलाज अब हम ले लेंगे अपने हाथ में आयुष्मान कार्ड देके, अब आपकी पेंशन उसकी किस्त हम भरेंगे, आपकी पेंशन हो जाएगी बुढ़ापे। पेंशन तो नहीं दे रहे ना सर, वो कह रहे 5,000 रुपये पेंशन देंगे, आपने कहा कि महंगाई भत्ते के हिसाब से बढ़ा। नहीं नहीं, हमने कहा कि पेंशन उसको, किसान की जो पेंशन है वो उसकी किस्त हम भरेंगे 60 साल की उम्र के बाद, जितनी उम्र के हिसाब से उसकी बनेगी उतनी पेंशन बनती जाएगी। ये 5 पर लिमिटेड नहीं है, पिछली बार आप 18 पर भी जा सकते हैं, 18 साल। पिछली बार आपकी सरकार आने में आपने कहा था कि हम पेंशन बढ़ाएंगे और लोगों ने विश्वास किया, आपने 200 रुपए जो वार्षिक बढ़ाया, लेकिन इस बार 200 रुपए भी बढ़ाने का कहीं कोई प्रावधान नहीं, आपने कहा महंगाई भत्ते के अनुसार। बिल्कुल, हमने ये कहा है, अभी कहा 3,000 तक हम पेंशन ले जाएंगे और उसी प्रकार से ले जाएंगे जिस प्रकार से पिछली बार ले गए थे, यही हमारी सोच है, उसी तरफ से स्टेप कर रही है। सर, बिजली के बिलों में वो 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे, आपको भी लगता है सर? नहीं, हमने पहले रेट आधे किए हैं, और बिजली का विषय ही हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा विषय है, और इसलिए हम उसमें व्यवहारिक होकर चल रहे हैं, केवल ऐसे वादे नहीं कर रहे जो लोक लुभावन हो, जो व्यवहारिक नहीं हो। भाजपा और के बीच में कांग्रेस और इनेलो के अगर घोषणा पत्र देखा जाए तुलनात्मक क्या मानते हैं, ये हवा हवाई है आपका धारातल? ये एनालिसिस मीडिया को करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए। मैंने कहा हमारे घोषणा पत्र में विजन भी है, कार्यक्रम भी है, प्रायोरिटी भी है, विद इन लिमिटेशन है। 75+ में कितना सहयोग मानते हैं इन सब चीजों को मिलाकर? आगे ले जाने वाला है, ये बड़ा ऊर्जा से भरा हुआ यंत्र है। एक बात और देखिए सर, कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर, कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बड़ा टाइट मामला चल रहा है, कैसे लगता है कैसे जीतेंगे आप? आराम से, बहुत अच्छे से जीतेंगे। सुना ये ओम प्रकाश धनखड़ जी जो साफ तौर पर कह रहे थे कि सीटें जीतना उनके लिए कोई बड़े मुश्किल खेल नहीं है, लेकिन वो हवा हवाई नहीं, वो सपनों को साकार करने वाले हरियाणा की बात कर रहे हैं, इसीलिए उनके विजन में सपनों का हरियाणा है। वीडियो जर्नलिस्ट सियाराम के साथ कुमार रमेश, R9 TV, चंडीगढ़।